के कई हिस्सों में महसूस हुए हल्के भूकंप के झटके, पाकिस्तान में रहा केंद्र। भीलवाड़ा में कृषि कानूनों के विरोध में हुई 13 किलोमीटर की कांग्रेस की पदयात्रा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रहे मौजूद। मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में किसानों ने किया पैदल मार्च, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के कई हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस हुए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इसका केंद्र था और रिक्टर स्केल 5 रही। बीकानेर के कई हिस्सों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इसका केंद्र पाकिस्तान में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5 दर्ज की गई। वहीं जानकारी के अनुसार भूकंप जमीन से 140 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भीलवाड़ा में किसान कानूनों के विरोध में जिला कांग्रेस सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर गाड़रवाला से कोरोई तक 13 किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस ने की। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा के प्रभारी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पदयात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित किसान मौजूद रहे। प्रभारी और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार बहुमत के घमंड में किसानों के साथ छल कर रही है। किसान 3 महीनों से सड़कों पर है, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस सरकार किसानों के साथ मिलकर मांग करती है कि इस कानून को वापस लिया जाए। उपचुनाव के सवाल पर शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार आज अपने मुद्दों पर पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, जिस कारण जनता कांग्रेस की ओर देख रही है और हमें विश्वास है कि उपचुनाव में 4 सीटों पर विजयी होंगे। जो जलजला यहाँ देखा आपने, हजारों लोग सड़कों पे चल रहे हैं, और ये भीलवाड़ा जिले का दृश्य नहीं है, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में किसान आक्रोशित हैं, लेकिन सत्ता के घमंड में, बहुमत के घमंड में मोदी सरकार पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जिसके लिए कानून बनाया, अगर वो उस कानून से खुश नहीं है तो फिर प्रतिष्ठा का प्रश्न किस बात का। इसका मतलब आपके मन में खोट है। जो आरोप मोदी सरकार पे लग रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों को किसानों की गर्दन सौंपने जा रही है वो इन 3 काले कानूनों के माध्यम से, वो सच साबित हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता वापस रोल बैक कर लेते। राजस्थान में 4 उपचुनाव है, चारों के चारों कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी बुरी तरह से और इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं। हमने चाहे कोरोना महामारी का दौर चलाओ, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न केवल कोरोना का प्रबंधन किया, लॉकडाउन में इस संकल्प के साथ काम किया कि एक व्यक्ति भूखा नहीं। कांग्रेस के आह्वान पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में नेताओं और किसानों ने पैदल मार्च किया। किसानों ने 3 कृषि कानूनों को वापस किए जाने की मांग की। किसानों के समर्थन में मडगांव से कोलायत अंबेडकर सर्किल तक पैदल चलकर किसानों के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। कोलायत के अंबेडकर सर्किल पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाई और किसानों को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए रामेश्वर डूडी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को काला बताते हुए किसानों के अहित में लाए गए कानूनों को वापस लेने की बात करते नजर आए। तो वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि कांग्रेस के आह्वान पर कोलायत में किसानों के समर्थन में पैदल मार्च किया जा रहा है, साथ ही किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन रख सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। देखिए, पूरे देश भर के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के केंद्र सरकार जो 3 काले कानून लेकर के आई है, उन तीनों ही कानूनों को किसानों की मांग यह है कि वापस लिया जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, 100 दिन से भी ज़्यादा का समय लगभग हो रहा है और सैकड़ों किसानों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। मोदी जी, अमित शाह जी बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं किसानों की मांग को, जो कि जायज़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे राहुल गांधी जी के आह्वान पर देश भर में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में आज खड़ा है। उसी परिप्रेक्ष्य में पार्टी के आह्वान पर हमने कोलायत में आज एक पदयात्रा का आयोजन किया।
आज के जो कार्यक्रम है पदयात्रा के बारे में? देखो, आज पूरी राजस्थान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, गांधी जी और सोनिया गांधी जी के निर्देश के अनुसार कोलाय क्षेत्र के पूरे जिले के किसानों ने पैदल मार्च किया, किसानों का समर्थन, क्योंकि पूरे आज देश के किसान सड़कों पर बैठा है। मोदी जी ने जिस तरीके से तीनों कृषि बिल जो लेके आए, उससे पूरे देश के किसान नाम सब जो है, आज किसान की गला घोटने वाले कानून मोदी जी लेके आए, इन काले कानूनों को मोदी जी वापस लें। पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा है, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ बैठा है, और कांग्रेस पार्टी देश के पूरे किसान के साथ में तन मन से और कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी किसान के समर्थन में खड़ी है। आज जरूरत है उस किसानों को मजबूती दिलाने की, आज जरूरत है उस किसानों को जो है, जो तीनों काले कानून जो लेके आए, उनको वापस लेने की। इसलिए हम लोग पूरी मेहनत और कोशिश से पूरे देश के किसानों को बचाने में लगे हुए हैं। इन तीनों काले कानून जो मोदी जी लेके आए, वो समय रहते मोदी जी वापस ले लें, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है और मोदी जी को पूरे देश के किसान ने चैलेंज दे रखा है, तो यदि मोदी जी ने तीनों कृषि कानून जो है, काले कानून वापस नहीं लिए, तब तक जो देश का किसान सड़कों से हटेगा नहीं। आज क्या हालात कर रहे हैं, उन गिने चुने 10 कॉरपोरेट घरानों को आबाद करने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। देश का पूरा युवा वो बेरोजगारी की ओर भटक रहा है, उनको नौकरियां नहीं है, गरीब के आंखों में आंसू पहुंचने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज पूरा देश जो है, उन विकास की ऊंचाई पे जाना चाहिए, लेकिन विकास की इनकी कहीं सोच नहीं रही। इनका सिर्फ सोच है कि आपस में जाति धर्म को लेकर, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाना और देश में राज करना। मोदी जी ये नहीं चलेगा, क्योंकि आज देश का किसान, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे आम जन जब पिछड़ा हो, वो आज भूखी है। उसकी तरफ आपको देखना चाहिए, मोदी जी आपको बैठ के उस पर चिंतन करना चाहिए कि आज देश की जनता क्या मांगती है। लेकिन मोदी जी का चिंतन तो दूर रहा, उन्होंने जो सबसे बड़ी कौम है, जो वर्ग है, जो किसान वर्ग है, आज 80% लोग जो है खेतीबाड़ी पे जो है किसान है, खेती पे जो है अपना आजीविका असर कर रहे हैं, उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। ये कतई नहीं चलेगा, आने वाले समय के अंदर यही देश की जनता मोदी जी को सबक सिखाने में चुकेगी। वही खबर नीम का थाना से, जहां गणेश्वर गांव खादरा में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। भागवत कथा के छठे दिन कथा स्थल पर रुक्मणी विवाह के आयोजन में श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मणी की वरमाला पर जमकर फूलों की बरसात हुई। रुक्मणी विवाह के दौरान श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर कन्यादान किया। वही खबर कुचामन सिटी से, जहां जीलिया कस्बे में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जैन भवन में डायरी वितरण समारोह आयोजित किया गया। वहीं 28 फरवरी तक 21 खाते और खुलवाने की घोषणा की गई। मुख्य अतिथि खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल की अगुवाई में डायरी वितरण समारोह किया गया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जीलिया सरपंच गिरधारी लाल बावरी ने की। इस दौरान कार्यक्रम में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चियों को डायरी वितरण की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरपंच दादरवाल ने कहा कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों में कन्याओं को लेकर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। दादरवाल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को संबल प्रदान करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत खारिया में खाते खुलवाने की शुरुआत की, और उसके बाद ग्राम पंचायत जीलिया में शुक्रवार को 25 खाते खुलवाकर पासबुक वितरित किए गए। वहीं 28 फरवरी तक 21 खाते और खुलवाने की घोषणा की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जिलिया में जो खाते खुलवाए गए थे, उनका पासबुक वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया, और उन 0 से 10 वर्ष तक की बच्चियों को सम्मानित किया गया जिनके खाते खोले गए, और साथ में ग्राम पंचायत जिलिया की में बेटियों के लिए और भी खाते खोलने के लिए मैंने बोला है, जो भी बच्चियाँ हैं वो अपने खाते खुलाए, और सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए अहम अपना समय दिया, योगदान दिया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत। खबर जायल से, जहां कस्बे के खाटू कलाम में स्थित सदगुरु कबीर सेवा संस्था में 5 दिवसीय 553वां महापरिनिर्वाण महोत्सव शुरू किया गया। सदगुरु कबीर महोत्सव ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ।
केंद्रीय टी बोर्ड सदस्य और सदगुरु कबीर आश्रम के संस्थापक संत नानक दास महाराज ने बताया कि सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्था बड़ी खाटू और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और केंद्रीय टी बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में विशाल राष्ट्रीय स्तर पर सदगुरु कबीर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विशाल संगीतमय सत्संग, गुरु ग्रंथ महाबीजक पाठ आदि का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर आश्रम के सचिव वेद प्रकाश गौड़, कोषाध्यक्ष सुरेश पवार, संत आनंद दास, पंडित श्रीओ माताराम सहित भक्तगण मौजूद रहे। महोत्सव में प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक विशाल सत्संग साध्वी राधिका दीदी द्वारा, रात्रि 7 से 10 बजे तक संध्या पाठ और सत्संग सुखदेव महाराज द्वारा किया जाएगा। देश प्रदेश वासियों को सदगुरु कबीर साहब का 503वां महापरिनिर्वाण की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज बड़ी खाटू में सदगुरु कबीर महानिर्वाण दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ और 24 तारीख तक ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। सुबह गुरुवाणी का पाठ होगा और 24 तारीख को बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें निर्गुणी भजन गायक पद्म श्री जी आएंगे, प्रहलाद जी टिपाणे जी, और अपनी मुखारविंद से वाणी का उद्बोधन करेंगे और सामाजिक समरसता, समाज सुधार, पर्यावरण विषय पर विशेष संगोष्ठी का भी आयोजन होगा। और कौन कौन आ रहे हैं इस पर? खबर कुचामन सिटी से, जहां महावीर इंटरनेशनल और अरियंत केयर सेंटर कुचामन के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क अस्थमा दमा श्वास रोग शिविर का आयोजन हुआ। प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अरियंत केयर सेंटर आस्था मेडिकल के पास राजकीय चिकित्सालय के सामने निशुल्क अस्थमा दमा श्वास रोग शिविर डॉक्टर जीएल शर्मा, पूर्व चिकित्सक एम्स जेडीएच की टीम के सानिध्य में आयोजित किया गया। भगवान महावीर के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर जीएल शर्मा ने रोगियों के फेफड़ों के बारे में जानकारी दी। शिविर संयोजक राम अवतार अग्रवाल ने बताया कि शिविर में ब्रिदोमेट्री, स्पायरोमेट्री, ब्लड प्रेशर, वजन, 41 रोगियों की जांच, हीमोग्लोबिन, शुगर रोगियों की निशुल्क जांच की गई। वहीं फेफड़ों के व्यायाम के बारे में सभी रोगियों को प्रशिक्षण निशुल्क दिया गया। वहीं खबर भीलवाड़ा से, जहां जीतो प्रीमियर लीग मैचों के आज तीसरे दिन भी दर्शकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। आज जयपुर, उदयपुर और कोटा से टीमें पहुंची। इस लीग का सेमीफाइनल मैच आज शाम खेला जाएगा। आज के मैच सुबह मनीष फाइटर्स और जेआरबी बुल्स के साथ खेला गया, जिसमें जेआरबी बुल्स ने 4 रन से जीत हासिल की। एक मैच जोशीले जैन वर्सेज जीतो एसके पैंथर्स के बीच खेला गया, जिसमें जीतो एसके पैंथर्स 4 विकेट से विजेता रही। उदयपुर टीम और जीतो नाकोड़ा 11 के बीच मैच, नाकोड़ा 11 ने टॉस जीता। वहीं फाइनल मैच कल 9 बजे होगा। आज अरियंत इंटरनेशनल स्कूल से लगभग 125 स्टूडेंट्स प्रतियोगिता का हिस्सा बनने आए। वहीं समापन समारोह रविवार को सुबह 11 बजे पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।